हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। ये हम देखेंगे टर्नरी कॉम्प्लेक्स यहां कैसे बन रहा है। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल फॉर्म ट्राइमोलिकुलर या हम कह सकते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स विथ अ टीसीआर एंड एन एमएचसी मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसका खास प्रॉपर्टी होता है क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करना। तो ये क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल है, ये एग्रीटोप है और ये इपिटोप है, यानी कि ये हमारा एंटीजन मॉलिक्यूल है जो एक्सप्रेस हो रहा है क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा। एंटीजन मॉलिक्यूल का वह हिस्सा जो क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल से बाइंडेड है उसे हम लोग एग्रीटोप कहेंगे, और एंटीजन का वह हिस्सा जो टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा उसे हम लोग इपिटोप कहेंगे। यानी कि एंटीजन में ही ये दोनों पोर्शन है, एग्रीटोप और इपिटोप। द पोर्शन ऑफ एंटीजन दैट इज कम्बाइंड विथ क्लास टू इज नोन एज एग्रीटोप एंड दैट पोर्शन दैट कम्बाइंस विथ टी सेल रिसेप्टर इज इपिटोप। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली थ्री मॉलिक्यूल्स देखे जो इन्वॉल्व्ड हैं, क्लास टू एमएचसी, एंटीजन एंड टी सेल रिसेप्टर। जो हेल्पर टी सेल है जिसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर लगे हुए हैं, और CD4 है, CD4 मीन्स क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये CD4 एक तरह का मार्कर है जो हेल्पर टी सेल में होता है, और एक और होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, उसके ऊपर जो लगा होता है वो होता है CD8। तो इस तरह के कुछ मार्कर मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं हेल्पर टी सेल को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को। कुल मिला के हम लोगों ने ये समझा कि टी सेल एपिटोप जो होता है वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसमें थ्री मॉलिक्यूल्स का जरूरत होता है, क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल, एंटीजन और टी सेल रिसेप्टर का।